पॉलिसी मेकिंग इज अ चैलेंजिंग टास्क एंड द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग आर वेरी केपेबल पीपल एंड सर्टन एंड सम एक्सपेक्टेशंस आर फ्रॉम दोज पीपल बिकॉज दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ चैलेंजिंग टास्क। तो इस मॉड्यूल में हम देखते हैं कि हु आर द पॉलिसी मेकर्स हु मेक पॉलिसी। Different policy makers are involved in making different kinds of policies like foreign policy of a government, organizational policy of a multinational company, admission policy of a school, education policy of a state, health policy of a province, etc. कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक तरह के लोग जो हैं वो हर तरह की पॉलिसी बनाते हैं। एक्चुअली जो लोग इन्वॉल्व होते हैं पॉलिसी मेकिंग के अंदर दे आर स्पेशलिस्ट इन द फील्ड, दे आर फ्रॉम द फील्ड। तो मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज हैं और उनको मुख्तलिफ तरह के लोग बनाते हैं। पॉलिसी मेकर्स आर जनरली एक्सपेक्टेड टू डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ द फील्ड। अगर फॉरेन पॉलिसी के लिए अब लोग बैठे हैं तो वो लोग होंगे जिनका फॉरेन पॉलिसी में तजर्बा है, जो फॉरेन मैटर्स को जानते हैं, जिनको कॉन्टेक्स्ट का पता है। अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल ट्रेंड्स एंड इश्यूज, किसी भी तरह की पॉलिसी हो, वेदर इट इज एजुकेशन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, आपकी जो मल्टीनेशनल्स की कोई पॉलिसी है, तो उनको जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ग्लोबल ट्रेंड्स और साथ साथ में इश्यूज का भी इल्म होना चाहिए ताकि उनकी जो पॉलिसी है वो बहुत अपडेटेड पॉलिसी हो, करंट पॉलिसी होनी चाहिए। अवेयरनेस ऑफ लोकल ट्रेंड्स एंड इश्यूज, ग्लोबल ट्रेंड्स का भी पता होना चाहिए बट एट द सेम टाइम पॉलिसी मेकर्स शुड बी अवेयर ऑफ द लोकल कॉन्टेक्स्ट। ओपननेस, ये एक बहुत की चीज है जो कि एक्सपेक्ट की जाती है फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स। आप नैरो माइंड के साथ अच्छी पॉलिसी नहीं बना सकते, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे शुड बी वेरी ओपन माइंडेड, दे शुड एग्जिबिट, दे शुड डिमॉन्स्ट्रेट ओपननेस। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, पॉलिसी मेकिंग इज अ सेंसिटिव जॉब और अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स नहीं है, अगेन यू विल नॉट बी एबल टू कम अप विद गुड पॉलिसी। क्रिटिकल थिंकिंग क्यों रिक्वायर्ड है? अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू एनालाइज लोकल और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, यू विल नॉट बी वेरी ओपन। तो इसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इसलिए अहम है ताकि आप सही डिसीजंस के ऊपर पहुंच सके। यू शुड बी एबल टू एनालाइज थिंग्स, यू शुड बी एबल टू सिंथेसाइज थिंग्स, यू शुड बी एबल टू वे आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग इज डन कलेक्टिवली। एक शख्स बैठकर पॉलिसी नहीं बनाता, लोग बैठकर पॉलिसी बनाते हैं और उसमें आपको इतना पता हो कि आप आर्ग्यूमेंट्स को वे कर सकें। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपने डिस्कशन हुई उसमें आर्ग्यूमेंट्स को आपने वे किया बट अल्टीमेटली यू नीड टू रीच टू सर्टन डिसीजंस। अगर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं होंगी, यू विल नॉट बी एबल टू रीच ऑन डिसीजंस। फेमिलियरिटी विद लेटेस्ट रिसर्च इन द फील्ड, एजुकेशन की पॉलिसी अगर बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपको लेटेस्ट रिसर्च का भी पता होना चाहिए। तो रिसर्च ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकर्स। कुछ और एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या है? कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन इन डिस्कशन फोरम्स, कि जो पॉलिसी मेकिंग फोरम्स हो वहां पर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट आप कर सके। यू शुड नॉट बी अ पैसिव लिसनर एंड अल्टीमेटली एग्रींग टू एवरीथिंग विच इज बींग सेड बाय सर्टन पीपल। ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स जितने भी हैं एक फोरम के ऊपर बैठे हुए, ईच मेंबर, ईच पर्सन शुड बी पार्टिसिपेटिंग कंस्ट्रक्टिवली। एबिलिटी टू सीक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फील्ड एक्सपर्ट्स एंड अदर रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस। कई दफा ऐसा होता है कि पॉलिसी मेकर्स के पास रेलिवेंट एक्सपर्टीज नहीं भी होती हैं, तो आप में ये एबिलिटी हो कि आपके पास अगर किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है, यू शुड बी एबल टू गेट एक्यूरेट अपडेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेलिवेंट पीपल। स्किल्स इन राइटिंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इन क्लियर एंड कंसाइज मैनर, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं दे शुड बी रिटन वेरी क्लियरली।
बहुत जागंस नहीं होने चाहिए। बाकी की स्किल्स और डिस्पोजिशंस के साथ साथ आपके पास पॉलिसी राइटिंग की भी स्किल होनी चाहिए। सो दीज आर द जनरल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स। सो पॉलिसी मेकिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी विद अ पोटेंशियल टू अफेक्ट मैनी पीपल विदन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज। It requires involvement of those people who have demonstrated required knowledge, skills and dispositions. So policy making mein un logon ko involve kiya jana chahiye who have demonstrated skills, knowledge and dispositions required for policy making in a particular field.